हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपास पैशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक इंस्टेंट स्किन व्हाइटनिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी स्किन से दाग धब्बे कालापन मैल को दूर करके स्किन को एकदम क्लीन क्लियर ग्लोइंग और ब्राइट बना देगी। पार्लर जाके महंगे से महंगा फेशियल करने के बाद स्किन में जैसा ग्लो आता है ना, बिल्कुल वैसा ही ग्लो ये रेमेडी आपके स्किन में लेके आएगी। किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंट ये आपके स्किन में पार्लर फेशियल जैसा ग्लो निखार लेके आएगी। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें करना है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन की एजिंग साइन को दूर करती है और स्किन को ब्राइट यंग ग्लोइंग बनाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हनी। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हनी लिया है। अब हाथों में ही ऐसे दोनों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे आपको अपनी स्किन में मसाज देना है। हम जब भी पार्लर जाते हैं, जब भी फेशियल करते हैं, तब हमारे स्किन में मसाज दिया जाता है। मसाज देने से क्या होता है, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो और निखार आता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। यहाँ पर ये जो स्टेप है, ये 2-in-1 स्टेप है, ये आपकी स्किन को मसाज भी करेगी और स्किन को डीपली क्लीन भी करेगी। हल्के हाथों से इस तरह से फुल फेस पर मसाज करना है, अपवर्ड मोशन में मसाज कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन अगर लटक गई है तो उसे भी ये टाइट करने में मदद करेगा। आंखों के आसपास काले घेरे हैं या फिर फाइन लाइंस रिंकल्स हैं, उसे भी कम करने में मदद करेगा, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा। कोकोनट ऑयल और हनी दोनों ही स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन को यंग बनाता है, ट्राइट और ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है, दाग धब्बे को कम करने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन में झाइया पिगमेंटेशन है, कोकोनट ऑयल उसे भी कम करने में मदद करती है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो और निखार लेके आती है। कम से कम 4 से 5 मिनट तक इस तरह से आपको अपनी स्किन में मसाज करना है। मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसाज देने के बाद क्या करना है, एक गीले टॉवल को लेना है और उसे अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके स्किन में जितनी भी एक्सेसिव ऑयल या फिर डर्ट या फिर गंदगी है, वो बहुत ही आसान तरीके से रिमूव हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट और स्मूथ भी हो जाएगी। मैंने मेरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं स्किन कितना क्लीन क्लियर और ग्लोइंग हो गई है। अब बनाएंगे D10 फेस मास्क, जो कि इंस्टेंट स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, आपकी स्किन को ब्लीच करेगा। पार्लर जाके महंगे से महंगा फेशियल करते हैं, ब्लीच करते हैं, उसके बाद स्किन में जैसा निखार आता है ना, बिल्कुल वैसा ही निखार ये रेमेडी आपकी स्किन में लेके आई। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंट लाइटन ब्राइटन करती है, दाग धब्बे को दूर करने में मदद करती है, स्किन से टैनिंग को कम करने में मदद करती है, स्किन में बहुत ही अच्छा निखार लेके आती है। 10 रुपए का फेयर लवली का पाउच भी आता है, आप चाहे तो उसे पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर आप चाहे तो पसंद आए तो दोबारा इसे बना के अप्लाई कीजिए। मैंने यहाँ पर एक फेयर एंड लवली का ट्यूब से जस्ट एक चम्मच फेयर एंड लवली ले लिया है और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है शुगर। जी हाँ दोस्तों, शुगर में होता है ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करती है, दाग धब्बे को कम करती है, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। और शुगर की जो ये छोटे छोटे दाने हैं ना, वो आपकी स्किन में एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है, जो कि आपकी स्किन से डेड स्किन सेल की लेयर गंदगी को रिमूव करने में मदद करती है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो और निखार लेके आती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन में भरपूर विटामिन सी होता है, जो कि आपके स्किन से दाग धब्बे को दूर करती है, टैनिंग को कम करती है, अगर आपकी स्किन में कालापन की प्रॉब्लम है उसे भी कम करने में मदद करती है, डार्क पैच को कम करती है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। जब भी आप फेयर एंड लवली में लेमन जूस ऐड करेंगे ना, देखेंगे फेयर एंड लवली इस तरह से फट जाएगा, जैसे दूध में लेमन डालने से वो फटके पनीर हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे ये एक स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऐड करना है शैम्पू। मैंने यहाँ पर लिया है क्लिनिक प्लस के शैम्पू। आप शैम्पू भी ले सकते हैं या फिर अपनी कोई भी फेवरेट फेस वॉश भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर शैम्पू ऐड किया है, अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। शैम्पू क्या करता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, पोर्स के अंदर जितनी भी गंदगी मैल जमा हुआ होता है उसे रिमूव करता है। आपकी स्किन में पुराने से पुराने गंदगी है, डार्क पैच है, ये फिर डेड स्किन सेल की लेयर पड़ गई है, कालापन आ गया है, जो कि आसानी से नहीं जाती है ना, उसे शैम्पू क्लीन करने में मदद करती है। जैसे
अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये बनके तैयार हो गया है आपका DIY ब्लीच। किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में। ये इंस्टेंट आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो निखार लेके आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे तो पहले हमने अपनी स्किन को मसाज दे दिया था, क्लेंस कर लिया था, उसके बाद इस फेस मास्क को फेस पे अप्लाई कर लेना है। हाथों की मदद से या फिर किसी ब्रश की मदद से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। रोज अप्लाई नहीं करना है क्योंकि दोस्तों हम तो पार्लर जाकर रोज ब्लीच या फिर फेशियल नहीं करते हैं ना। 15 दिन में एक बार या फिर महीने एक बार हम करते हैं, या फिर किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं, चाहते हैं स्किन में इंस्टेंट ब्राइटनेस आ जाए, तब हम पार्लर जाके ब्लीच करवाते हैं या फिर फेशियल करवाते हैं। तो आपको बिल्कुल वैसा ही इसे इस्तेमाल करना है, डेली अप्लाई नहीं करना है। आपको इसे हफ्ते में एक बार या फिर किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले इस्तेमाल करना है। अब मैं इसे फुल फेस पे लगा रही हूँ एज ए फेस मास्क। मैंने इसे फेस पे लगाया है, आप चाहे तो अपने हाथों पैरों पे भी इसे लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी गर्दन पे, बैक पे, एल्बो पे, नी पे, अंडरआर्म में, प्राइवेट पार्ट में कालापन आ जाता है, डार्क पैच की एक लेयर पड़ जाती है। तो इन सारी पुरानी से पुरानी जमी हुई मैल और गंदगी को रिमूव करने के लिए आप इस ब्लीच को, DIY ब्लीच को या फिर फेस मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंस्टेंट आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, स्किन में जितनी भी गंदगी है उसे रिमूव करेगा, स्किन को डीटैन करेगा और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो और निखार लेके आएगा। तो मैंने मेरे फेस पे अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लिया है। अब इसे मैं फेस पे 5 मिनट तक रहने दूंगी। अगर हाथों पैरों में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट तक इसे छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद क्या करना है दोस्तों, हल्के हाथों से स्किन में इस तरह से स्क्रब करना है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन में जितनी भी डेड स्किन सेल की लेयर है, पुराने से पुराने जमी हुई मैल है, गंदगी है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। नोज एरिया, चीन एरिया, फोरहेड एरिया, जहाँ पर कि व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं ना, उस जगह पे भी आपको हल्के हाथों से इस तरह से स्क्रब करना है। इससे क्या होगा, जितनी भी गंदगी है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, वो भी आसानी से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद एक गीले टॉवल की मदद से फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और आप देख सकते हैं स्किन कितना क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग दिख रही है। सबसे अच्छा तरीका यही है, एक गीले टॉवल से फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को अच्छी तरह से धो लीजिए। अगर आप डायरेक्ट वाटर से क्लीन करना चाहेंगे तो पानी की बर्बादी होगी और थोड़ा वक्त भी लग रहा है, इसीलिए सबसे अच्छा प्रोसेस यही है, पहले फेस मास्क को रिमूव कर लीजिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको धो लेना है। गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, ठंडे पानी की भी ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर में जो नॉर्मल वाटर है उससे ही आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। तो मैंने मेरे फेस मास्क को अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है, अब नॉर्मल वाटर से फेस को क्लीन कर रही हूँ। तब देख सकते हैं दोस्तों फेस को क्लीन करने के बाद स्किन कितना क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग और ब्राइट हो गई है। और रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आपको देगा। किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो और निखार आएगा। लड़का, लड़की, टीनेजर कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। इंस्टेंट ये आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, स्किन में पुराने से पुराने जो गंदगी है, मैल है, जो डार्क पैच है उसे बहुत ही आसानी से रिमूव कर देगा और स्किन में इंस्टेंट पार्लर फेशियल जैसा ग्लो लेके आएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।